जी व्यूअर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर में बहुत ज़बरदस्त जॉब्स अनाउंस हुए हैं, तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कौन कौन सी जॉब्स हैं और नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है, उनके लिए क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है और उसके अलावा इसके लिए अप्लाई किस तरह करना है, ये सारा कुछ आज आपको इस वीडियो में मिलेगा। स्टार्ट करते हैं जी। पहली पोस्ट है जी साइफर असिस्टेंट BPS 15 की, ये जॉब है। तो एज लिमिट की बात करें तो 18 से 30 साल एज लिमिट है और 5 ईयर जनरल रिलैक्सेशन भी है। तो उसके अलावा नंबर ऑफ सीट्स की बात करें तो टोटल इसकी 14 सीट्स हैं। तो इसकी डिस्ट्रीब्यूशन प्रोविंस वाइज की हुई है, तो पंजाब की 5 हैं, सिंध की 5 हैं और KPK की भी 5, KPK की 3 हैं, जबकि आज़ाद जम्मू कश्मीर की 1 सीट है। तो क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड है, तो प्रेफरेंस दी जाएगी मैथमेटिक्स और स्टैटिक्स वालों को, और इसके अलावा कंप्यूटर की हाउ नाउ होनी चाहिए और मिनिमम टाइपिंग स्पीड इस 30 वर्ड पर मिनट स्पीड। नेक्स्ट पोस्ट है जी कम्युनिकेशन असिस्टेंट, तो 18 से 30 साल एज रिक्वायर्ड है, BPS 15 की ये जॉब है। तो इसकी बात करें तो नंबर ऑफ सीट्स की इसकी 7 सीट्स हैं, पंजाब की 4 हैं, फोटा की 1 है, सिंध की 1 है, KPK की 1 सीट है। उसके अलावा अगर हम बात करें क्वालिफिकेशन की तो इसमें ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड है, मिनिमम टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड पर मिनट है और कंप्यूटर की भी हाउ नाउ होनी चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट का नाम है जी नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, BPS 15 की ये जॉब है, 18 से 30 साल की एज रिक्वायर्ड है इसमें। तो इसमें अलावा 5 ईयर की एज रिलैक्सेशन भी है, पंजाब की 1 सीट है इसमें। तो इसमें बैचलर डिग्री कंप्यूटर साइंस वाले अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट का नाम है जी स्टेनोटाइपिस्ट, BPS 14 की ये जॉब है, 18 से 30 साल एज रिक्वायर्ड है, 5 ईयर एज रिलैक्सेशन। तो इस पर बात करें तो डिस्ट्रीब्यूशन इसकी आप देख सकते हैं, पंजाब की जनरल सीट 4 है, वुमेन की 2 है, मिनॉरिटी 1 है, डिसेबिलिटी की 1 सीट है। उसके अलावा बलूचिस्तान की भी आप देख सकते हैं 2 सीट है, जनरल वुमेन की 1 है, KPK की जनरल सीट 1 है, वुमेन की 2 है, मिनॉरिटी 1 है, सिंध में जनरल की 1 है, मिनॉरिटी की 2 सीट्स हैं जबकि वुमेन की 1 है। तो अगर बात करें तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स इसकी 19 है। इसमें जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है इंटरमीडिएट है, जबकि मिनिमम स्पीड रिक्वायर्ड है 80 स्पीड होनी चाहिए आपकी शॉर्ट हैंड में, जबकि 40 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए आपकी टाइपिंग स्पीड इंग्लिश में, मस्ट बी कंप्यूटर लिटरेट। नेक्स्ट पोस्ट है लोअर डिवीजन क्लर्क LDC, BPS 11 की ये जॉब है, 18 से 30 साल के लिए ये लोग अप्लाई कर सकते हैं, 5 ईयर एज रिलैक्सेशन है, पंजाब में मिनॉरिटी की 2 सीट्स हैं, सिंध अर्बन जनरल सीट 2 सीट्स हैं, KPK में वुमेन की 1 सीट है जबकि मिनॉरिटी की 1 सीट है, टोटल बात करें तो 6 सीट्स होती हैं इसकी। एज क्वालिफिकेशन में मैट्रिक इसकी क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है, मिनिमम टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए, 3 वीक बेसिक IT ट्रेनिंग कोर्स इंक्लूडिंग MS ऑफिस कंडक्टेड बाय NITB इज मैंडेटरी फॉर सिलेक्शन बिफोर कंप्लीशन ऑफ प्रोबेशन पीरियड। नेक्स्ट है टेक्नीशियन, BPS 9 की ये जॉब है, 18 से 30 साल की एज रिक्वायर्ड है इसमें, ओपन मेरिट की 1 सीट है, FSC वाले इसमें अप्लाई करते हैं, 6 मंथ डिप्लोमा और एक्सपीरियंस इन LCD प्रिंटर कंप्यूटर लैपटॉप नेटवर्क एंड देयर पार्ट्स रिपेयरिंग। नेक्स्ट पोस्ट है जी ड्राइवर की, BPS 4 की ये जॉब है, तो 18 से 35 साल के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, मेरिट पे इसकी 2 सीट है, ICT मिनॉरिटी 2 सीट, पंजाब जनरल सीट 2 सीट, मिनॉरिटी 1 सीट, KPK जनरल सीट 1 सीट, टोटल सीट इसकी 8 सीट्स हैं। तो क्वालिफिकेशन की बात करें तो प्राइमरी पास होना चाहिए, वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए और उसको ट्रैफिक के रूल्स के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट है नायब कासिद की, BPS 1 की जॉब है, 18 से 35 साल एज रिक्वायर्ड है, 5 ईयर एज रिलैक्सेशन है, ओपन मेरिट की 6 सीटें हैं, बलूचिस्तान में जनरल सीट 3 है, 1 वुमेन की है, सिंध रूरल में जनरल 5 सीट्स हैं, मिनॉरिटी की 1 सीट है, सिंध अर्बन जनरल सीट 5 है, वुमेन 1 सीट है, फाटा में जनरल सीट 2 है, ICT में वुमेन की 5 सीट है, टोटल इसकी 29 सीट है, जबकि क्वालिफिकेशन इसके लिए प्राइमरी जस्ट चाहिए। इसके लिए आपने अप्लाई किस तरह करना है, अप्लाई के लिए आपको इनका जो पोर्टल है NJP.JOV.PK आपने यहाँ पे जाना है और इसका जो
एनओसी है, इस एनओसी उनके लिए रिक्वायर्ड है, जो गवर्नमेंट थ्रू प्रॉपर चैनल अप्लाई कर रहे होंगे वो थ्रू प्रॉपर चैनल अप्लाई करेंगे एनओसी के साथ। जबकि अप्लाई करने का मैं तरीका बता रहा था कि njp.gov.pk, यहाँ पे जाकर आपने ऑनलाइन अप्लाई करने हैं।